हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। ये जो पारे की गोली बना रहा था मैं, इसको 24 घंटे नींबू के रस में रखने के बाद अब मैंने इसको निकाला है। अब मैं इसको एक रोगनी हांडी में त्रिफले का काढ़ा, जिसमें 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बेड़ा, 100 ग्राम आंवला, उसको रात को भिगे कर रखा था। तो अब उसको उबाल कर उसका काढ़ा तैयार किया है 2 किलो पानी में। 2 किलो पानी में, जब 3 किलो पानी में गया, 2 किलो जब रह गया तो उसको रख लिया। अब इस काढ़े में मैं ये रोगनी हांडी में रख के गोली को रखूँगा और फिर इसमें भिगो दूँगा। ये आस्ता आस्ता चलती रहेगी, जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा स्टॉक तो स्टॉक, फिर इस गोली को निकाल लेंगे, फिर यह गोली पक जाएगी। उसके बाद इसको धतूरे के नुकदे में रख के कुज्जी में गिल हिकमत करते फिर इसको हल्की आग देकर पकाऊंगा, तो फिर यह गोली तैयार हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।